जो नए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इलास्टिसिटी। इस चैप्टर में हमको क्या स्टडी करना है, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब है कि ऐसी कोई भी बॉडी जिसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद में उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो, फिक्स रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस बॉडी को हम क्या मानेंगे, रिजिड बॉडी मानेंगे। जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया है अगर उसकी वजह से बॉडी के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, उसकी शेप चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वो क्या है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब यही होता है कि आप कितना भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर लो उसकी शेप साइज वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो रिजिड बॉडी है क्या ये रियल में एग्जिस्ट करती है, नहीं। कोई भी बॉडी है उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो कम फोर्स अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो, लेकिन अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो वो टूट जाएगी, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी बॉडी 100% रिजिड बॉडी बोली जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि काफी हार्ड होते हैं, काफी रिजिड होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, कार्बोरंडम नाम से एक मटेरियल होता है। क्या क्या एग्जाम्पल इसके, डायमंड हो गया, कार्बोरंडम हो गया, इस तरीके से ये अलग अलग कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि काफी हार्ड होते हैं। इनके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो अगर आपको इसकी शेप चेंज करनी है तो इसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसकी शेप चेंज होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि रिजिड बॉडी की कैटेगरी में आ सकते हैं कम फोर्स के लिए। बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो इनकी भी शेप चेंज हो जाएगी। तो रिजिड बॉडी का सिंपल सा मतलब यही है, अगर कहीं भी ये वर्ड आए तो समझ जाना कि जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है उस रेंज के अंदर, उस फोर्स की रेंज के अंदर उस बॉडी के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए उसको रिजिड बॉडी बोल रहे हम। ठीक है, नॉर्मली जो एग्जाम्पल हो क्या है इसके, डायमंड हो गया, कार्बोरेंडम हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, सेकेंड है इसके अंदर फिर इंटर एटोमिक एंड इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं आगे इलास्टिक प्रॉपर्टी, उसको समझने के लिए पहले हम इनको समझ लेते हैं कि इनकी नेचर क्या होती है, इंटर एटोमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, तब जाके वो आपको टॉपिक इजिली समझ में आएगा। देखो, इंटर एटोमिक का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटर एटोमिक फोर्स, और दूसरा है इंटर मॉलिकुलर फोर्स जिसका मतलब होगा दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को तो क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और दो एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोल देंगे, इंटर एटोमिक फोर्स। जैसे यहां पे कुछ H2O मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तभी तो ये चिपके हुए हैं। इसका मतलब इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इंटर एटोमिक फोर्स एक्ट कर रहा है ना, इंटर एटोमिक फोर्स, क्योंकि वो एटम्स के बीच में लग रहा है। लेकिन ये जो वाटर मॉलिक्यूल होगा और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी आपस में चिपके हुए हैं। जब आप पानी ऐसे गिराते हो तो आपस में एक धार की फॉर्म में गिरता है, वो आपस में पानी के मॉलिक्यूल चिपके हुए रहते हैं आपस में, क्यों, क्योंकि उनके बीच में एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसी का नाम क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में, एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलेंगे इंटर एटोमिक और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, सिंपल एकदम। ठीक, अब ये फोर्स डेवलप किस तरीके से होते हैं, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है जैसे मान लो दो एटम्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लो कि एक एटम ये है, ये उसका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन है जो अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है, ये कोई दूसरा एटम है इसके अंदर भी क्या है, ये अलग अलग ऑर्बिट्स में कुछ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे इसके अंदर भी, इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। अब ये वाला जो एटम है इसका जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा। इसका न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसका न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंटर एटोमिक फोर्स बोल देंगे। और ऐसे अगर हम दो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दो मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, एटम्स ही होंगे, उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम्स होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, वो भी तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फिर।
तो ये जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनका रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये जो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, इसकी वजह से ये फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा एक चीज और हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ के थ्रू यहाँ पे चीजें बताने वाला हूँ आपको। ये डिस्टेंस यहाँ पे आर दिखा रखी है ग्राफ के अंदर, आर का मतलब है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे हम जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है उसकी नेचर को समझेंगे कि वो किस टाइप का फोर्स होगा, कब ज्यादा लगेगा, कब कम लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा तो वो कब ज्यादा अट्रैक्शन होगा, कब कम अट्रैक्शन होगा, इस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे इस ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पे ये जो आर है, आर का मतलब है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और F का मतलब है इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा वो। एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम अट्रैक्शन फोर्स को दिखाते हैं तो उसको हमेशा नेगेटिव सिंबल से बताया जाता है, और अगर जो रिपल्शन फोर्स है दो पार्टिकल्स के बीच में उसको दिखाना है तो उसको हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ में बताएंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें ऊपर वाली साइड में हमने ये जैसे ये जीरो वाला पॉइंट मान लो, तो इसके ऊपर हमने प्लस एफ दिखाया और नीचे हम माइनस एफ दिखाएंगे। माइनस एफ का मतलब है कि अगर अट्रैक्टिव नेचर दिखानी है फोर्स की तो उस ग्राफ को, उस चीज को हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, और अगर रिपल्सिव फोर्स दिखाना है तो उसको ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। अब जैसे ये दो एटम समान लो, इनकी जगह मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब मुझे ये दिखाना है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम होती जाएगी, डिस्टेंस के कम होने की वजह से जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो किस तरीके से चेंज होगा। मान लो पहले मॉलिक्यूल काफी दूर है, अगर काफी दूर होंगे तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफी कम होगा, क्योंकि दूर दूर हो गए तो दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से दूर हैं, इसकी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफी वीक रहेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स को हमेशा नेगेटिव सिंबल से बताना है, तो मैं ग्राफ को नीचे वाली साइड में ड्रॉ करूंगा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को कम करते जाओगे तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले काफी दूर है फिर इनको पास लेके आ रहे हो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। तो इसको ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, ऐसे ये बढ़ते हुए दिखाएंगे, इस टाइप से दिखाएंगे। एक पॉइंट पे जाके आप देखोगे, ये कोई डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं जहां पे आप मॉलिक्यूल्स को लेके आ चुके हो, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम लग रहा होगा। ये वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम लग रहा है। अगर आप डिस्टेंस को इस एक्स से और कम करोगे, मान लो यहां तक आ गए हम, ये एक्स डिस्टेंस है, अगर आप डिस्टेंस को और कम करोगे तो क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होने लग जाएगा, इस तरीके से कम होगा, कम होगा, कम होगा, और यहाँ पे जाके ये कोई आर नोट डिस्टेंस होती है, आर नोट डिस्टेंस के ऊपर ये फोर्स कम होता होता क्या हो जाता है, जीरो। मतलब यहाँ पे अगर इतना डिस्टेंस पे अगर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ना ही रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कौन से डिस्टेंस के ऊपर, आर नोट डिस्टेंस के ऊपर। और अगर आपने डिस्टेंस को और ज्यादा कम कर दिया तो फिर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे और दोनों के न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, तो जो फोर्स है उसका नेचर बदल जाएगा, वो अब रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो ये वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि अगर आप मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस को ज्यादा रखते हो तब तो अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस को कम करोगे अट्रैक्शन फोर्स पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, और उसके बाद में एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगा, ना अट्रैक्शन फोर्स ना रिपल्शन फोर्स। और अगर आपने डिस्टेंस को और कम किया तो जो अट्रैक्शन फोर्स था पहले वो अब रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये ग्राफ देख के बताओ कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से कितनी दूरी के ऊपर स्टेबल रहेंगे, आर नोट या एक्स। देखो आर नोट जो पोजिशन होती है यहाँ पे, ना तो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है ना रिपल्शन फोर्स, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन बोली जाती है। नेट फोर्स जब जीरो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजिशन होती है, तो ये वो पोजिशन है जहां पे जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो नेट फोर्स है वो जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, भाई अट्रैक्शन अगर होगा तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे लेकिन एक पॉइंट पे जाके जीरो हो गया फोर्स, तो वो डिस्टेंस आ गई जो इक्विलिब्रियम पोजीशन बोली जाती है। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ना अट्रैक्शन फोर्स होगा ना रिपल्शन फोर्स होगा, तो इतने डिस्टेंस के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या रहेंगे, स्टेबल कंडीशन में रहेंगे। तो कोई भी सॉलिड होता है ना, सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस ये आर नॉट होता है। आर नॉट वो डिस्टेंस है जहां पे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे मॉलिक्यूल्स या एटम्स। ठीक है, अब मैं एक और ग्राफ यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में है। डिस्टेंस वही इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। ये आर नोट डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये इक्विलिब्रियम
डिस्टेंस थी। तो अगर आप डिस्टेंस को कम करते जाते हो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ग्राफ कुछ इसी टाइप का सा बनेगा। लेकिन इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू मिनिमम कब आ रही होगी, इस आर नोट डिस्टेंस के ऊपर मिनिमम आ रही होगी। अच्छा, मिनिमम क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये मैक्सिमम नेगेटिव है और जितना नेगेटिव वैल्यू होगी उतने उसकी वैल्यू कम मानी जाएगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पहले कम नेगेटिव है, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं डिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं तो मोर नेगेटिव होती जा रही है, यहाँ पे जाके मैक्सिमम नेगेटिव हो गए। और मैक्सिमम नेगेटिव होने का मतलब ये मिनिमम वैल्यू है। और उसके बाद में अगर आप डिस्टेंस को आर नोट से भी अगर कम करोगे तो ये वापस से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, यहाँ पे जाके हो जाएगी जीरो, फिर ये पॉजिटिव वाली साइड में चला जाएगा ग्राफ, है ना। इस तरीके से ये पॉजिटिव वाली साइड में ग्राफ चला जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है इससे भी हम वही बात समझेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने डिस्टेंस रखे जाए ताकि जो मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम रहे। तो वो डिस्टेंस होगी आर नोट, आर नोट डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नेगेटिव है, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है। जितना ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ही मिनिमम वैल्यू मानी जाएगी। तो ये वो डिस्टेंस है जहां पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर रहेंगे तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी। और अगर किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में रहता है उसमें। तो अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स को स्टेबल रहना है तो वो कितने दूरी के ऊपर रहेंगे, आर नोट डिस्टेंस के ऊपर रहेंगे। तो इसको इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोला जाता है, जो सॉलिड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आर नोट वो डिस्टेंस है जहां पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स के अंदर एक दूसरे से आर नोट दूरी पर रहते हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में रहें या फिर स्टेबल कंडीशन में रहें, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या, मतलब इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या, वो समझाता हूं। आप एक चीज नोटिस करो कि अगर आप डिस्टेंस को आर नोट से कम या ज्यादा करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पे। और जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तभी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर आप डिस्टेंस को कम करोगे या फिर ज्यादा करोगे तो दोनों ही कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की, और वापस से सिस्टम क्या कोशिश करेगा, वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आने की कोशिश करेगा। मतलब मॉलिक्यूल्स वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने की टेंडेंसी रखेंगे। जैसे कि स्प्रिंग होती है ना, उसको चाहे खींचो चाहे आप उसको कंप्रेस करो, खींचोगे तो भी छोड़ने पर वो वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। जब आप उसको कंप्रेस करोगे, जैसे उसको छोड़ोगे तब भी वो फैल के वापस से अपने इनिशियल स्टेट में आने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि वो उस कंडीशन में स्टेबल रहती है। जैसे आप उसको कंप्रेस करते हो, स्ट्रेस करते हो, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है जिससे वो अनस्टेबल हो जाती है। तो स्टेबिलिटी में आने के लिए उसको पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, मिनिमम रखनी पड़ेगी। तो वैसे ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। अगर आप उस डिस्टेंस को छेड़ोगे, मतलब उससे कम करोगे डिस्टेंस को या बढ़ाओगे, तो मॉलिक्यूल्स वापस से उस पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, टेंडेंसी रखेंगे, ठीक है। अगर आप उस डिस्टेंस को कम करोगे ना तो वापस से वो अंदर ही अंदर एक फोर्स डेवलप करेंगे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के बीच में, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, वापस से मॉलिक्यूल्स उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे जहां पे वो पहले थे। उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं उसको? रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे स्प्रिंग खींच दो आप, तो उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो वापस से उसको इनिशियल स्टेट में लाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। उसी तरीके से आप मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो या कम कर दो तो वापस से इनिशियल स्टेट में लाने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, उसका नाम क्या रखा हमने, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स इनके अंदर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपको? अब आगे मैं इसको यूज करूंगा, इसलिए मैंने आपको ये ग्राफ वगैरह सारे बताए आपको। अब देखते हैं चलो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर इलास्टिसिटी। अब ये जो प्रॉपर्टी है सॉलिड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का? इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई भी बॉडी है, कोई भी सॉलिड बॉडी है, और उसके ऊपर आप कुछ फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करने से मान लो उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे आप फोर्स को रिमूव कर लोगे वापस से बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है वापस से बॉडी का अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाना, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। जैसे एक रबर बैंड होता है, आप उसको खींचो खींच जाएगा, छोड़ने पे वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोली जाती है? इसको इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। ऐसे कोई भी चीज हो ना, कोई भी सॉलिड होता है, सब में ये प्रॉपर्टी होती है, किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जब आप फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी बॉडी पे तो बॉडी अपना जो शेप है वो चेंज कर लेगी, और जैसे ही आप फोर्स को हटा लोगे रिमूव कर लोगे वापस से बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। अगर ऐसा कर पा रही है बॉडी तो हम उसको इलास्टिक बॉडी बोलेंगे, अगर ऐसा नहीं कर पा रही तो फिर हम उसको इलास्टिक बॉडी नहीं बोलते,
ठीक है। इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी ये है कि वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में बॉडी आ जानी चाहिए, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है वो समझो, एक सिंपल डायग्राम से इसको समझाता हूँ कि इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों आती है सॉलिड्स के अंदर। यहाँ पे ये जितने भी आपको छोटे छोटे स्फेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स है मान लो, और आपको पता है कि किसी भी सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस पे वो स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। उसको हम आर नोट से डिनोट करते हैं वैसे। तो ये वो डिस्टेंसेज हैं जहाँ पे ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, ये स्टेबल कंडीशन में है। यहाँ पे जो स्प्रिंग दिखा रखी है ये किस चीज को शो कर रही है, ये बता रही है इंटर एटोमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को, जिसकी वजह से आपस में बंधे हुए हैं। अगर आप इनके बीच के डिस्टेंस को चेंज करोगे तो फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाएंगे, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अभी ये स्टेबल कंडीशन में है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर नॉट के बराबर है। आर नॉट मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। जैसे मान लो कि मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये कोई सॉलिड पीस है और इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया, मान लो मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, तो कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो जाएंगे, और कंप्रेस होने से क्या होगा, उनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि जो आप एक्सटर्नल वर्क करोगे वो इन स्प्रिंग्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो अब स्प्रिंग को हटा दो, अब दिमाग में इंटरमोलिकुलर फोर्स को रखो। जब आप ऑब्जेक्ट पे यानी कि जो सॉलिड है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, तो इनके बीच में पहले क्या लग रहा था, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो उस पोजीशन पे जीरो था, लेकिन जैसे आपने इसको कंप्रेस किया तो डिस्टेंस चेंज हो गई, तो अब कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पे डेवलप होंगे और वो क्या करेंगे, वापस से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए एक फोर्स डेवलप करेंगे अंदर, और वो फोर्स क्या करेगा, वापस से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में ले जाने की कोशिश करेगा। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है मान लो, इसको आप कंप्रेस करो तो कुछ स्प्रिंग इसके अंदर कंप्रेस हो जाएंगी, कुछ हो सकता है स्ट्रेच भी हो जाए, तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ गई तो इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया सिस्टम। तो स्टेबिलिटी में आने के लिए क्या करेगा, ये वापस से अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा। तो कम कैसे करेगा, वापस उसी स्टेट में चला जाए तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो इसलिए क्या करेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स अपने अंदर डेवलप करेगा। तो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी आती है किसी भी सॉलिड के अंदर वो इसी वजह से आती है, क्योंकि जैसे आप सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का या एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है। डिस्टेंस के चेंज होने से जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है वो अपने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे हट जाते हैं, और हटने की वजह से क्या होगा, वापस से वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए एक फोर्स डेवलप करते हैं जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, वापस से ऑब्जेक्ट को अपनी इनिशियल स्टेट में ले आता है। ये इसका रीजन होता है, इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसका रीजन है। क्या रीजन होगा इलास्टिसिटी का, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये दो टर्म है जो हम आगे कई बार यूज करेंगे चैप्टर के अंदर, एक तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और एक है परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। क्या मतलब है इनका, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी उसको बोलते हैं जिसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो अपनी शेप चेंज कर लेगी, और जैसे ही फोर्स को हटाओगे तो वापस से एग्जैक्टली उसी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी जिसमें वो पहले थी। अगर बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से वो अपनी स्टेट चेंज कर लेती है और फोर्स को हटाने पे एग्जैक्टली वो वापस से उसी इनिशियल स्टेट में आ जाती है, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। कौन सी बॉडी होती है ऐसे, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो क्वार्ट्ज का, फॉस्फर ब्रॉन्ज नाम से एक मटेरियल होता है, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि परफेक्ट इलास्टिक बॉडी बोले जाते हैं। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी मतलब इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, ये अपनी शेप को चेंज कर लेंगे, और जैसे आप फोर्स को रिमूव कर लोगे तो ये वापस से अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोला जाता है, नियरली ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। दूसरा है परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, ये वो बॉडीज है जिनके ऊपर अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो अपनी शेप चेंज कर लेंगे, लेकिन अगर आपने फोर्स को रिमूव कर दिया तो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में कभी नहीं आएंगे। जैसे मड होता है, पुट्टी होती है, वैक्स होता है ना, ये सब परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी की कैटेगरी में आते हैं। पुट्टी होती है ना, जैसे ग्लासेस वगैरह चिपकाते हैं अपन विंडोज वगैरह में, उसको आप ऐसे पिचका दो तो वो पिचकी हुई रह जाएगी, है ना। मड या चिकनी मिट्टी होती है जैसे, है ना, उसका एक गोला बना लो, उसको ऐसे पिचका दो, मतलब ऐसे पिचकाओगे तो क्या होगा, पिचका हुआ रह जाएगा, वापस वो उस स्फीयर की शेप पे नहीं आएगा, है ना। तो परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी वो होती है जो फोर्स अप्लाई करने पे अपनी शेप चेंज कर लेती है, लेकिन जैसे आप फोर्स को रिमूव करते हो वापस से अपनी इनिशियल स्टेट को वो गेन नहीं कर पाती है, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे वैक्स हो गया, मड हो गया,
इसके अलावा जैसे आपको पुट्टी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ऐसा मटेरियल जो फोर्स अप्लाई करने पे शेप चेंज कर लेता है, लेकिन फोर्स रिमूव करने के बाद में वापस अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाता, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। कैटेगरी समझ में आ गई? ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? ठीक है जी।